पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बॉर्डर पर आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, हमारे और पाकिस्तान के जवान रोज ही मारे जाते हैं। बॉर्डर पे जो भी मारा जाता है वो किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का सब कुछ होता है, आंखों का तारा होता है। जब वो मर जाता है तो उसके परिवार की क्या हालत होती है, ये हम लोग टीवी में ही देखते हैं तो हमारा कलेजा मुंह को आ जाता है। उन परिवारों पर क्या बीतती हो, इन चीज़ों का समाधान नहीं हो पा रहा। हमारे नेता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नए नए हथियार खरीद रहे हैं, सेनाओं की गिनती बढ़ रही है, इसके लिए खर्च के लिए नए नए टैक्स लगाने पड़ते हैं जनता पर, जनता पे बोझ बढ़ता है, जनता त्राही त्राही करती है, लेकिन इसका फिर भी कोई हल नहीं निकलता। हमारा निवेदन है दोनों देशों की जनताओं से, अगर हमारे नेता इसका शांतिप्रिय हल नहीं निकाल रहे तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने अपनी सरकारों पर दबाव बनाएं और ये कोशिश करें, विरोध करें, धरने प्रदर्शन करें और उन्हें ये समझाएं कि आप सीमा पर शांति बनाइए, बैठ के कीजिए, कोई ना कोई भी भगवान जरूर हल निकालेगा, तभी हम लोगों की तकलीफें दूर होंगी। आज जो हम भय के वातावरण में जी रहे हैं वो वातावरण कम हो जाएगा। हथियारों की होड़ में हम लोग विदेशियों से हथियार खरीद रहे हैं और अपना पैसा और सोना उनको हम देते हैं, वो नहीं चाहते कि हम लोगों में समझौता हो। जिस दिन समझौता हम में हो जाएगा हमारे दोनों देश बेइंतहा तरक्की और विकास करेंगे, जो दुनिया के लिए एक सबक होगा। एक बार सुपर सिटीजन होने के नाते मैं दोनों देशों की जनताओं से फिर आग्रह करूँगा कि वो अपनी जनता, अपने नेताओं पर दबाव बनाएं और शांति के लिए कहें कि जिससे हम लोगों का ये तनाव और ये भयमुक्त वातावरण हो और हम चैन से जी सकें। जय हिंद, जय भारत। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।